अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे यूपी का ज़बरदस्ती, ये फेमस रेसिपी है रिकवच जिसे बोला जाता है, जो अरवी के पत्ते की बनती है। बहुत लोग इसे अरवी के पकौड़ा भी बोलते हैं, अरवी का भजिया भी बोलते हैं, और बहुत तरीके से ये फेमस है। लेकिन जो हमारा तरीका है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। रेसिपी बहुत अच्छी है और हेल्दी भी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी का नाम है अरवी का पत्ते का पकौड़ा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1.5 कप चने की दाल ले ली थी, उसे हमने रात भर सोख कर लिया था। अच्छे से एकदम भीग गई है हमारी दाल। उसके साथ हमने 1 कप लिया था चावल, जो हमने धो के भिगा लिया था, ये भी अच्छे से फूल गया है। 1.5 कप चने की दाल के साथ 1 कप हमने राइस रखा है। अब इन्हें हम ब्लेंड करेंगे। सबसे पहले हम चावल को ब्लेंड करेंगे, एकदम बारीक ब्लेंड करेंगे हम। देखिए चावल ब्लेंड हो गया है, एक साइड हमें उसे निकाल लिया है। उसी जार में हम सारा का सारा चना दाल जो भी है, स्टेप बाय स्टेप पानी थोड़ा सा डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए ये भी हमारा ब्लेंड हो गया है। सब बारीक ही ब्लेंड करेंगे हम, सारा ये मिक्स कर लेंगे हम चावल वाले ही मिक्सर में। हमें अलग अलग नहीं रखना है दोनों को भी। आप चाहिए तो एक साथ भी आप इसे मिक्सर में पीस सकते हैं, अगर आपके जार में कैपेसिटी ज़्यादा है तो। ये सारा हम एक स्टेप बाय स्टेप पीस लिया हमने। अब ये कुछ मसाले हैं, ये खटाई है, 1 पूरा अखा लहसुन है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून भर के जीरा, कुछ रेड चिली है, इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे। सारा ब्लेंड हो गया है। अब उसी जार मिक्सर में हम उसी मसाले को भी डाल देंगे सारा एक साथ। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, हल्दी रंगत के लिए डाल रहे हैं हम, और नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब अच्छे से सब मिक्सर को मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बस अच्छी होनी चाहिए। देखिए कितनी लाजवाब, और इसकी कंटेस्टी देखिए कितना थिक है, ये इस तरीके का रहना चाहिए। अभी अरवी का पत्ता लिया है हमने। अब जिस मेथड से, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं आपको, अब उसी तरीके से अगर आपका रिकवच है जो भी अरवी का पत्ता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसे रेक्टेंगल के शेप में लेके जाइएगा, और इसी मेथड से आप इसे बनाइएगा। ये मेथड एकदम ज़बरदस्त है, आपका रिकवच का पत्ता खुलेगा भी नहीं, अच्छे से फोल्ड रहेगा, टाइट फोल्ड रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मेथड यही रहना चाहिए जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ट्राई ज़रूर करिएगा, रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। ट्राई करना और मुझे अपना फीडबैक देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और अगर आपको कोई क्वेरी हो मेरे चैनल से, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो। देखिए फिर पूरा पत्ता हमने अच्छे से फैला लिया था, रख दिया था स्टेप बाय स्टेप। अब इसे हम सारा फोल्ड करेंगे अच्छे से, एकदम टाइट। आपका जो आगे का पार्ट है, हम लोग को एकदम टाइट फोल्ड करना, हाथ में एकदम टाइट लेना अपने फिंगर में। कोई भी पोर्शन हमें बाहर निकलने नहीं देना है, सारा देखिए अंदर टाइट करके पैक करते चले जाना है। इस तरीके से बनाइए आपका रिकवच, आपकी अरवी का पत्ता ज़बरदस्त सा बनेगा। अब इस तरीके से हम जितना हमारा रखा था सारा का सारा हम फोल्ड कर लेंगे। इतने में हमारा 5 तैयार हुआ था, 5 पकौड़े के ऐसे लंबे लंबे पीस। स्टीम हमने पहले ही तैयार कर लिया था, अब पहले हम इसे स्टीम करेंगे। आप इसे स्टीम करके भी खा सकते हो, बहुत ज़बरदस्त सा लगता है। इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे हाई फ्लेम पे 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसका प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। हाई फ्लेम हमारा है, देखिए हाई फ्लेम के बाद 3 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा लिया। अब बाकी का जो पकौड़ा हमने रेडी किया था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसका ये मेथड होता है कि बाद में डालने का, जो एक साथ डालेंगे तो चिटक ना जाए, बस और कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा हल्का कुक हो जाता है तो उसके बाद वो हो जाता है रेडी, मतलब चिटकेगा नहीं। अब 15 से 20 मिनट लगा हमें इसे कुक करने के लिए हाई फ्लेम पे। देखिए नाइफ हमारा एकदम क्लियर निकला है, बिल्कुल भी उसके अंदर कुछ भी दाल अगर नहीं आई है बाहर। अब इसे हम ठंडा करेंगे, और ठंडा करके आपको हम बताते हैं इसके आगे क्या करना है। देखिए ठंडा करके हमने कट किया है, इस तरीके से आप भी कट कर लीजिएगा सारा अपना। और इसे आप इस तरीके से भी खा सकते हैं, बॉयल भी, बॉयल ये बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट देता है। और ये ठंडा करने के बाद देखिए इस तरीके से हमने इसे शेप में काटा है, ज़बरदस्त सा शेप है।
एक साइड एक पैन रख दिया है हम, एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे और उसे हम तलेंगे। सारा हमने डाल दिया अच्छे से, अब देखिए गोल्डन कलर आने तक का मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पलट लेंगे। ज़बरदस्त है, गोल्डन कलर आ गया है और क्रिस्पी तैयार होता है। रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ये देखिए ज़बरदस्त है, ये गोल्डन कलर इसके अंदर आ गया है। अब इसे सर्व करिए, एंजॉय कीजिए किचन विद ज़ायका के साथ। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम।